गुड इवनिंग बच्चों, ब्रेक हो गया क्या? आप लोगों का खत्म ब्रेक हो गया था क्या? पहली क्लास कब छुट्टी? मेरे को नहीं पता। ब्रेक हो गया, आ गए क्या सभी लोग? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करें क्या? आ गए सभी लोग ब्रेक के बाद? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपन ने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था, है ना? ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लास्ट क्लास में अपन ने क्या लिया था बच्चों? ग्राफ अपन ले रहे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ अपन ले रहे थे, है ना? ग्राफ में अपन ने मेरे ख्याल से दो ग्राफ अपने बचे हुए थे, है ना? कोसेक तक अपन ने लिए थे, ठीक है? ग्राफ सारे हुए थे क्योंकि सेक के और कॉट वाला हो गया था क्या? कॉट वाला ग्राफ हो गया था क्या? सेक और कोसेक बचे हुए, ठीक है? चलिए सेक और कोसेक बचे हुए, हाँ, है ना? चलिए तो सेक और कोसेक का ग्राफ अपन ले लेते हैं, है ना? तो वाई इज इक्वल्स, सेक और कोसेक का ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है, सेक और कोसेक का ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट है, है ना? वाई इज इक्वल्स टू, वाई इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x का ग्राफ अपने को बनाना है। और इसका ग्राफ बनाने के लिए अपन ने अगेन, जैसे आपको पॉइंट याद हो जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फिर से रिवाइज कर देता हूं कि अपन ने फंक्शन को 1-1 बनाया था, तो 1-1 बनाने के लिए अपन ने एक डोमेन चूज करा था, उस डोमेन में आपका फंक्शन 1-1 था। तो sec x के लिए जो डोमेन अपन ने चूज किया था, दैट इज 0 to π/2 यूनियन π/2 to π। sec x के लिए ये डोमेन था, तो sec इनवर्स x के लिए ये रेंज, sec x के लिए डोमेन, sec इनवर्स x के लिए रेंज। इसके डोमेन की यदि मैं बात करूं, sec इनवर्स x के डोमेन की यदि अपन बात करें, ये रेंज है, sec x का डोमेन है, sec इनवर्स x के लिए रेंज है। इसके डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन है -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट, ठीक है? तो अब आपको ग्राफ इसमें बनाना, -∞ से -1 से इनफाइनाइट। तो अगेन पहले मैं sec x का ग्राफ बनाऊंगा, लाइन y = x बनाएंगे, जैसे अपन ने पहले ग्राफ लिए थे उसमें भी यही कर रहे थे ना अपन, पहले y = x sec x का ग्राफ बना रहे थे और उसके बाद फिर अपन यहां पे आएंगे, है ना? तो sec x का ग्राफ बनाने के लिए 0 से लेकर π/2 से लेकर π/2 एसिम्प्टोट था sec x के में, sec x के में एसिम्प्टोट π/2 था, तो sec इनवर्स x के में y इज इक्वल्स टू π/2 होगा। This one and this, ठीक है? थोड़ा सा ये sec x का ग्राफ हो गया, ये पॉइंट था अपना 0, 1, ये वाला π, -1, ठीक है? लाइन y इज इक्वल टू x बनाएंगे, लाइन y इज इक्वल टू x तो ऐसे बनेगी, बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा इसमें, लाइन y इज इक्वल टू x, y is equal to x, ठीक है? अब देखो क्या क्या बताया था मैंने, क्वाड्रेंट वाइज इमेज फिर से समझ लो आप, इधर वाले पार्ट की इमेज इधर, इधर वाले पार्ट की इमेज इधर, इधर वाले की इधर, इधर वाले की इधर। सबसे पहले एसिम्प्टोट बनाओ, इसका एसिम्प्टोट x equals to π/2 है, तो sec inverse x का y is equal to π/2 होगा, यहां से जाएगा,
क्योंकि ये पाई बाय टू को हमारा पाई बाय टू पॉइंट है ना, वाई इसका टू एक्स पर है, तो एक्स पाई बाय टू, तो इसलिए अपने को वाई कॉस टू पाई बाय टू यहाँ से रिलेटिवली थोड़ा सा सही बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो इमेज में आपने को कंफ्यूजन हो जाएगा इमेज सही है कि नहीं है, है ना? ठीक बात। चलिए अब एक पार्ट वाइज लेते हैं, पहले इसकी इमेज बना लेता हूं और फिर इसकी इमेज बनाएंगे, ठीक है? इसकी इमेज बनेगी यहां पर, ये एसिम्प्टोट स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट 0.1 की मिरर इमेज यहां पर 1.0 और ये एसिम्प्टोट नहीं सही, तो ये इधर से ऐसे गया था ना, ये इधर से आई बात समझ में, इधर से ऐसे दिख रहा है इसकी मिरर, ठीक है? इधर आ जाते हैं पाई कॉमा माइनस वन, पाई को माइनस वन की मिरर में जाएगी, माइनस वन कॉमा पाई, माइनस वन कॉमा पाई, तो माइनस वन कॉमा ये पाई बाय टू था, पाई यहां पे कहीं पर आए इधर, ये एसिम्प्टोट है तो इधर नहीं जाएगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं, इतना इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि जब sec x y is equals to x को कट नहीं कर रहा sec x, तो sec इनवर्स x भी कट नहीं कर सकता, तो इस पार्ट की इमेज आ गई इधर और इस वाले पार्ट की इमेज आ गई इधर, ये पाई कॉमा माइनस वन था, तो दिस पॉइंट विल बी माइनस वन कॉमा पाई, ठीक है? राइट, मैक्सिमम मतलब ये पाई अपने पास लाएगा, ठीक है? क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? आप बना लीजिए और किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। बना लिया, ठीक है? एसिम्प्टोट 0.1 से पास होगा, 0.1 0.1 तो नीचे है बेटा, ये 0.1 तो ये वाला पॉइंट श्यांश, ये तो पाई बाय टू है, मतलब ये 0.2 पाई बाय टू मतलब 1.57 होगा ना, ये पॉइंट ऊपर है, 0.1 तो ये वाला पॉइंट है, ये 0.2 है, सेक्टर पास नहीं होगा। मतलब अब यदि मैं आपको केवल sec इनवर्स x का ग्राफ दिखाऊंगा ना, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, बाकी चीजें मैं हटा देता हूँ, तो दैट विल मेक मोर क्लियर टू यू। और आप चाहो तो एक रफली ये वाला ग्राफ भी बना दो,
है ना, इसमें अपने को पाई बाय टू और पाई की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, और ये जीरो कॉमा पाई बाय टू। अब आप देखो तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, दिस लाइन इज वाई इज इक्वल्स टू पाई बाय टू, दिस लाइन इज वाई इज इक्वल्स टू पाई, तो ये y is equals to pi by 2 है, मतलब 0.1 का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, मतलब 0.1 का कोई रोल ही नहीं, ठीक है, ये y equals to pi by 2 हो गया, तो 1.0 से इधर, क्योंकि देखो sec inverse x का डोमेन क्या था, माइनस इनफाइनिट से माइनस 1, 1 से इनफाइनिट था, तो माइनस 1 से 1 के बीच में तो ग्राफ बनेगा ही, माइनस 1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं बने, और रेंज में आप देखोगे तो 0 से पाई है, पाई बाय 2 इज नॉट इंक्लूड, तो पाई बाय 2 बीच में नहीं आएगा, पाई बाय टू बीच में नहीं आएगा, जीरो से पाई आएगा, पाई बाय टू पे देखो वैल्यू है ही है, ठीक है। अब अगेन देखो इसमें भी आपको एक दो पॉइंट अपने को समझने पड़ेंगे, क्योंकि आगे अभी आगे अपन इनइक्विटीज लेंगे, तो इनइक्विटी को सॉल्व करने से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आते हैं, तो इसलिए ग्राफ, इसमें इनइक्विटी सॉल्व करने के लिए ग्राफ भी कभी कभी हेल्प करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कोटेक्स में भी लिया था, भाई देखो ये हो गया 3.14, ये हो गया 1.57, तो इट मीन्स यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 होगा, यहाँ पे कहीं पे 3 आएगा अपने पास, है ना। नाउ अब बताओ आप, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज दिस पॉइंट, बताओ आपसे ही बताना है सबको, व्हाट इज दिस पॉइंट, वेरी गुड प्रवीण, वेरी गुड वेरी गुड, आप समझ में आ गई बात आपकी, ये सेक वन बिल्कुल सही, वेरी गुड, दिस पॉइंट इज नाउ सेक वन। और देखो सबसे अच्छा तरीका एक ही है, कभी भी किसी ग्राफ में कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा हो, यदि मुझे x पता है y निकालना या y पता है x निकालना, इक्वेशन है, x रख दो y निकाल लो, y रख दो x निकाल लो, है ना, ये सेक वन हो गया। नाउ व्हाट इज दिस सेक टू, अपने वो माइनस सेक टू नहीं लिखना उसको, अपने को माइनस सेक टू नहीं लिखना, सेक टू इटसेल्फ नेगेटिव है, सेक टू इटसेल्फ नेगेटिव, दिस इज सेक थ्री, दिस इज सेक थ्री, ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि बॉक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सेक इनवर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू 2, ठीक है, देन एक्स बिलोंग्स टू, क्या बताएंगे आप, एक्स बिलोंग्स टू क्या बताएंगे आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 2 है, तो एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा, x belongs to, त्रिलोक का आंसर बिल्कुल सही है, प्रवीण का भी सही है, माधव फिर आप sec inverse और sec में कंफ्यूज हो गए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सार्थक का भी सही है, श्रियाश ये आंसर तब होता जब केवल मैं x लिखता, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू 2 के लिए सेक इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक लिखोगे आप, 2 से लेके 3 तक लिखोगे, ठीक है, अब सेक लगा देंगे इसमें, तो सेक लगाएंगे, ठीक है, तो sec 2 से लेकर, sec इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो sec 2 से लेकर sec 3, sec 2 से लेकर sec 3 तक आ जाएगी अपने पास, ठीक है, क्लियर है कि नहीं बात, आई कि नहीं समझ में, ठीक है। तो इसलिए इन सब केसेस में देखो जब भी अपन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे ना, एक दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, फंक्शन का नेचर क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, अभी इंक्रीजिंग है, सेम चीज में पॉट इनवर्स में करूंगा तो मुझे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है,
वहां पर, क्योंकि cot x inverse x decreasing function, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी अभी आगे अपन अलग से लेंगे, इनइक्वालिटी वाला पार्ट अलग से लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब cos x inverse x पर अपन आते हैं। y is equals to cosec inverse x, है ना। अब cosec inverse x में क्या है कि चलिए एक बार cosec inverse x का ट्राई कर लेना, ठीक है, मैं आपको दे देता हूं इसमें cosec inverse x, ठीक है। इसका डोमेन रेंज में देता हूं और cosec x का ग्राफ मैं बना देता हूं एक बार आपके लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर cosec inverse x का जो है वो आपको बनाना रहेगा, ठीक है। कोसेक एक्स का डोमेन अपन ने लिया था माइनस पाई बाय टू से लेके जीरो, यूनियन जीरो से लेके पाई बाय टू, और रेंज तो इसकी वही थी कोसेक की, तो इसका डोमेन ये इसकी रेंज हो जाएगी और इसका डोमेन तो वही था जो कोसेक का था, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, यूनियन वन से लेकर इनफाइनाइट। cosec x का ग्राफ मैं बना रहा हूं, अब एक बार आपको ट्राई करना है। इसका एसिम्प्टोट जीरो है, ठीक है, तो ये ऐसा आएगा, दिस इज cosec का बना रहे ना, और दिस इज pi बाय टू कॉमा वन, दिस इज माइनस पाई बाय टू कॉमा माइनस वन, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एक्स जो लाइन बनेगी, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन, वो इसको कट करती बने, दिस इज वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन। इसका एसिम्प्टोट वाई एक्सिस है, तो अपने कोसेक का एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक मिनट में आपको देता हूं, एक बार आप ट्राई कर लो, ठीक है, उसके बाद में बनाऊंगा तो फिर आप वेरीफाई कर लेना, ठीक है। चलिए कर ही देखें, ओ, देख लिया पार्थिव, देख लिया मैंने, मतलब अब आपको इसको एसिम्प्टोट ट्रीट करना, इसको एसिम्प्टोट ट्रीट करते हुए बनाना है, ठीक है। नीचे करना, नीचे वाला नहीं दिखा मेरे को, ऊपर थर्ड क्वाड्रेंट वाला दिखा, थर्ड क्वाड्रेंट वाला नहीं दिखा, थोड़ा सा वो रिफ्लेक्शन आ रहा है, फर्स्ट वाला सही है, ठीक है। चलिए देखो बन गया सभी का, वही कभी भी जैसे स्टार्ट करना हो ना, एसिम्प्टोट्स
स्टार्टिंग पॉइंट, लास्ट पॉइंट, इंटरसेक्शन, ये वाई इसको स्क्वायर एक्स को यहां कट कर रहा है तो कोसेक इनवर्स एक्स भी कट करेगा, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन आएगा यहां पे, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, और ये एसिम्प्टोट है, ये एसिम्प्टोट है ना, ये ऐसा गया, ऐसा दिख रहा है अपने को, दिख जाएगा मतलब वो तो सही बना होगा ना, मिरर दिखेगा अपने आप, यहां पर ये, अच्छा ये ऐसा ही ऐसा, मिरर ऐसा ही दिख जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे यहां पे गया, इसका यहां पे गया, और फिर ये है, थोड़ा सा उधर जाएगा, मैंने इधर बना दिया, ठीक है, ये इधर से ऐसा क्या बन गया, ये एसिम्प्टोट, देखो ये वाला एसिम्प्टोट, ये कितने अणुओं का सही बना था, कितने अणुओं का सही बना था, अमीन किलो, बाकी लोगों का नहीं बना, बन गया, ठीक है, चलिए। तो ये कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया अपने पास, है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, इनइक्वालिटी इसमें अपन पहले ही ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर अपन इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर आते जाएंगे। देखो इसकी इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं वो बता देता हूं आपको, ठीक है। इनइक्वालिटी सॉल्व करने में क्या है, वही जैसे दो चीजें मैं बता रहा था कि एक तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन नंबर वन, और नंबर टू इसकी रेंज, इसकी रेंज मतलब कभी भी इस टाइप की इनइक्वालिटी है ना, डोमेन पर तीनों चीजें, डोमेन, रेंज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा तब आपका आंसर परफेक्ट आएगा, बहुत ध्यान से करना है, डोमेन, रेंज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। डोमेन सबका मैंने बताई दिया, रेंज मैंने बताई दी सब, ठीक है। मतलब अब जैसे आप यूं समझो कि आप अपन कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें मेरे पास साइन इनवर्स लिखा हुआ आ गया, आप पॉइंट समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, फंक्शन आ गया, कहीं पर भी मेरे पास साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ आ गया, तो जैसे मेरे पास साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ आ गया तो अब ये रिस्ट्रिक्ट हो गया कि उस पूरे फंक्शन, उस पूरे इक्वेशन में एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन ही होगी, उससे आगे पीछे हो ही नहीं सकती, एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन ही होगी, उससे आगे पीछे हो ही नहीं सकती, है ना। तो कोई भी इनवर्स फंक्शन किसी भी, भले वो फॉर्मूला बन जाए, भले वो फॉर्मूला बन जाए, जैसे एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूं, एक बहुत सिंपल सी बात पूछूंगी, मान लो लॉग एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन, log x of x is equals to 1, what is the value of x, x की वैल्यू क्या हो, अब आप बोलेंगे ये तो हमेशा 1 ही होता है, हमेशा 1 होता है, लेकिन डिफाइंड भी तो होना चाहिए, बिना डिफाइंड हुए मैं इसको 1 नहीं बता सकता, तो इसका मतलब यदि आप इसका आंसर पूछेंगे मेरे से तो इसका आंसर आएगा x belongs to 0 to 1 union 1 to infinite, 0 to 1, 1 to infinite, ठीक है। डिफाइन तो करना ही पड़ेगा आपको, तो कभी कोई फॉर्मूला बन भी रहा हो तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा उसका डोमेन क्या है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की मैं बात करूं जहां तक, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफरेंशिएशन आपको आता होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, टेन इनवर्स एक्स का भी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, और सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन दिस वन, ये तीनों इंक्रीजिंग फंक्शन, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, ये तीनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यदि अपन बात करें कॉस इनवर्स एक्स की, कॉट इनवर्स एक्स की और कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये तीनों डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये तीनों इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये तीनों डिक्रीजिंग फंक्शन है अपने पास, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने से क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ये होने से ये होता है कि जब आप
वो फंक्शन अप्लाई करते हो, जैसे लॉग में रूल याद है ना, बेस लेस देन वन होता है तो अपन इनइक्विटी का साइन चेंज करते, बिल्कुल ऐसे जब आप वो फंक्शन अप्लाई करते हो तो आपको इनइक्विटी का साइन चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं आपसे बोलूं कि कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कॉस इनवर्स एक्स की रेंज के अकॉर्डिंग ये चीज पॉसिबल भी है कि नहीं है, कि हमेशा पॉसिबल है कि कभी भी पॉसिबल नहीं है, है ना? तीन चीजें ध्यान रखनी, हमेशा पॉसिबल है, कभी पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा इसमें कॉस ले लूं, आप पॉइंट समझना। एक मैंने आपसे बोला कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है, ठीक है? एक मैंने आपसे बोला कि कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 से लेके 4 तक है, एक्स की वैल्यू बतानी है। एक मैंने आपसे बोला कि कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस 2 से लेकर माइनस 1 है, एक्स की वैल्यू बतानी है। डोमेन, रेंज, नेचर, डोमेन, रेंज और नेचर तीनों पर डिपेंड करे, ठीक है? नेचर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग जो भी फंक्शन होगा तो जब मैं वो फंक्शन लगाऊंगा तो मुझे इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? डोमेन से ये फिक्स हो गया कि अपना आंसर वहीं से वहीं के बीच में आएगा, उससे बाहर जा नहीं सकता। अब रेंज की बात करता हूं कि रेंज में मैं कैसे रिस्ट्रिक्ट करूंगा उसको, रेंज से यहां पे क्या रिलेशन। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या थी? 0 से लेके पाई तक, मतलब 0 से लेके 3.14 तक। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज 0 से 3.14, तो पहले केस की बात करूं तो 1 से लेके 2 इसी के बीच में आ रहा है, 0 से पाई मतलब हो गया 3.14, तो मतलब पॉसिबल है, दिस इज फाइन, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ मत करो, डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस ले लो अपन पूरे में, कॉस, कॉस इनवर्स हटाना है तो कॉस लेना है, और कॉस हटाना है तो कॉस इनवर्स लेना, तो कॉस, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग है अपन कॉस लेंगे, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग है तो कॉस एक्स भी डिक्रीजिंग होगा, जैसा इनवर्स होता है fx और f इनवर्स इसका नेचर। तो जैसे मैं कॉस लूंगा मुझे इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आएगा कॉस 1 से लेकर कॉस 2, कॉस 2 मतलब उल्टा बोलिए, कॉस 2 से लेकर कॉस 1 तक है, कॉस 2 से कॉस 1। इस वाले पॉइंट में किसी को कोई डाउट है क्या? फर्स्ट वाला जो पॉइंट मैंने अभी लिखा है, आगे की नहीं बात समझ में, कॉस 2 से कॉस 1, ठीक है? चलो अब ये चीज ध्यान से समझना। अब आप बोलेंगे कि यार 2 से 4 है, पर कॉस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो 3.14 ही हो सकती है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती, ठीक है? तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू, इस 4 की जगह पे मैं लिख लूंगा, क्या लिखोगे बताओ? आप बोलोगे अपने को तो 4 तक चाहिए ना, ठीक है? 4 तक वो आई नहीं तो मैं क्या करूंगा, पाई तक आएगी तो मैंने पाई लिख लिया। अब कॉस लगा लो, ठीक है? और अब आप कॉस लगाओगे, अब कॉस लगाओगे कोई साइन चेंज करना पड़ेगा, तो कॉस 2 कॉस पाई इज माइनस 1, माइनस 1 से लेकर कॉस 2 तक, माइनस 1 से लेकर कॉस 2। इसमें किसी को कोई डाउट है कि नहीं? अभी ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये मैंने कैसे करा फिर से बता देता हूं, भाई मुझे पता है कॉस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकती है, या इधर भी मान लो 0 से कम जा रहा होता तो भी मैं करता, ठीक है? तो पाई हो सकती है, तो 4 तक तो जाएंगे नहीं, तो अपन अपनी तरफ से उसको पाई करें, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2 से लेकर माइनस 1, तो एक्स की वैल्यू ये तो डायरेक्ट बता सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू पाई, इस वाले एक्स बिलोंग्स टू पाई। अच्छा, इस सेकेंड वाले में एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है कि अब आप 4 तक है तो जैसे कभी ऐसी वैल्यू आ जाए तो आप हटा दो इसको, भले हटा दो, आप कुछ मत करो उसको, आप पाई भी मत ले दो, आप हटा दो बस। तो आप बोलोगे हटाएंगे तो फिर कैसे होगा? फिर कैसे होगा? कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हुआ,
दोनों साइड कॉस ले लिया, कॉस लिया तो इनइक्विटी का साइन चेंज हो गया, तो एक्स लेस देन इक्वल टू कॉस हुआ है ना। अब एक्स लेस देन इक्वल टू कॉस हुआ गया और मुझे पता है यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स है तो इसका डोमेन माइनस वन से लेके वन तक है, तो माइनस वन से कम तो मैं लिख नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो एक्स लेस देन इक्वल टू कॉस टू है। अब आप कभी भी इस फंक्शन के लिए यदि ये लिख के दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट मैं उसको माइनस वन से कॉस टू ही लिखूंगा, बाय डिफॉल्ट में उसको माइनस वन से कॉस टू ही, ठीक है। आई की बात समझ में, किसी को कोई डाउट है इस तीनों केस में? हैंड रेस कर दीजिए किसी को कोई डाउट हो तो। क्लियर है कि नहीं सबको? ठीक है चलिए, है ना। तो मेन चीज वही है, कभी भी आप इनइक्वालिटी सॉल्व करें तीन चीज, जब आप फंक्शन लगा रहे हो तो उस फंक्शन का नेचर चेक करो, फाइनल आंसर लिख रहे हो तो डोमेन चेक करो, जब यहां पे लिख रहे हो तो नेचर चेक करना, ठीक है। तो एक बार इन तीनों को लिख लीजिए फिर और आगे बढ़ते हैं उसमें। पार्थ डाउट है क्या? पार्थ डाउट है सर, लास्ट वाला है, एक और बार समझा दीजिए वो। ये फाइव वाला? हाँ, इसमें तो डायरेक्ट ही करना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, मेन दिक्कत इन दोनों की। इसमें तो जैसे मुझे मान लो मैंने कुछ सॉल्व करा और मुझे मिल गया कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस टू से माइनस वन चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि कॉस इनवर्स एक्स में तो मैं एक्स कुछ भी रख लू, कॉस इनवर्स एक्स तो मुझे कहां से कहां तक देता है, जीरो से लेकर पाई तक देता है, ठीक है। तो इट मीन्स ये माइनस टू से माइनस वन तो कभी देगा ही नहीं, तो इसलिए मैं एक्स कुछ भी रख लू माइनस टू से माइनस वन के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं देगा, दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स टू पाई। ओके, चलिए अब इसके कुछ और प्रॉब्लम्स मैं बताता हूं। अब इसमें क्या है, देखो दो टाइप से अपने को ट्रीट करना है। दो टाइप से कैसे, कि साइन इनवर्स टेन इनवर्स ये दोनों और कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स ये दोनों, ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है। कंटिन्यूस आप देखो इनकी जो रेंज थी वो रेंज कंटिन्यूस थी ना, उसमें होलो सर्कल डार्क सर्कल कहीं नहीं था, बस या तो लास्ट में ओपन इंटरवल था, बाकी बीच में तो पूरी इसमें था। सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स के साथ प्रॉब्लम थी, बीच में एक पॉइंट ब्रेक हो रहा था, उसमें इसमें पाई बाय टू ब्रेक हो रहा था, उसमें जीरो था, सॉरी इसमें जीरो पे इसमें पाई बाय टू पे ब्रेक हो रहा था, तो इन चारों में तो दिक्कत नहीं है। यदि मैं आपको इनकी वैल्यू, अच्छा आपको क्वेश्चन को दोनों तरह से सोचना है, अपने को आंसर बताना हो तो क्या बताना, क्वेश्चन ने दिया हो तो उसको कैसे यूज करूँ, तो इन चारों में तो यदि मैं इनकी रेंज में आपको कोई भी इनइक्वालिटी दे दूं तो उसको हटाने के लिए अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आप फंक्शन लगा दो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तीन चार रिलेशन लिख के बताता हूँ,
लेट्स से मैंने बोला साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस वन से लेकर माइनस वन बाय टू, ठीक है, तो साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है और साइन इनवर्स इसकी रेंज के अकॉर्डिंग भी है, तो एक्स की वैल्यू हो गई साइन ऑफ माइनस वन से लेकर साइन ऑफ माइनस वन बाय टू तक, सो दैट बिकम माइनस साइन वन से लेकर माइनस साइन वन बाय टू तक, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि tan इनवर्स x की वैल्यू, tan इनवर्स x की वैल्यू और tan इनवर्स x sin इनवर्स ये सब एंगल है, tan इनवर्स x की वैल्यू लेट्स से माइनस पाई बाय 3 से लेकर पाई बाय 4 के बीच में है, तो सीधे tan ले सकते हैं, tan माइनस पाई बाय 3 माइनस रूट 3 हो गया और tan पाई बाय 4 1 हो गया, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि cos इनवर्स x की वैल्यू 0 से लेकर 2π/3 तक है, cos डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो ये cos लगाएंगे तो इनइक्वालिटी का cos 0 1 cos ऑफ cos इनवर्स x cos 2π/3 -1/2 होता है, तो x की वैल्यू -1/2 से 1 तक हो गई। वेरी सिमिलरली cot इनवर्स भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने बोला cot इनवर्स x की वैल्यू π/4 से लेकर 3π/4 तक है, अब इसमें यदि मैं cot लूंगा तो cot डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, cot pi by 4 1 ये cot और cot 3 pi by 4 minus, तो x की वैल्यू -1 से, वो तो आप देखो साइन चेंज नहीं भी करोगे तो वैसे दिख जाएगा, क्योंकि मान लो अभी मैं साइन चेंज नहीं करता तो मेरे को इंटरवल ही उल्टा मिलता, 1 से लेके -1 मिल जाता है ना, राइट। तो इसलिए इन चारों में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ वो ध्यान रखना पड़ेगा जो अभी मैंने बताया था कि वो जो फाइनल वैल्यू आनी चाहिए वो रेंज में आनी चाहिए, वो रेंज में नहीं आएगी तो फिर दिक्कत है, वो रेंज में आए, तो इसको लिख लीजिए एक बार, फिर sec इनवर्स cosec इनवर्स का मैं अलग से बताता हूँ आपको। अब देखो इसको यूज कैसे करना है अपने को क्वेश्चन में, जैसे cos इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 5 cos इनवर्स x प्लस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, x बिलोंग्स टू x की वैल्यू बता रही, ठीक। cos इनवर्स x को t मान लेते हैं तो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0, क्या करना कि टी के ना कि एग्जैक्टली टी है क्या मेरे पास, उसके बाद आंसर लिखना। तो हो सकता है कभी कभी कुछ प्रॉब्लम में जैसे ये जो फैक्टर है ये फैक्टर का साइन हमेशा फिक्स हो जाए, whether it is always positive, always negative, तो मैं उसको डायरेक्टली उधर ले जाऊंगा, ठीक है। अभी जैसे मैं t क्या है मेरे पास cos inverse x, तो cos inverse x मतलब t की वैल्यू एक तरह से कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 3.14 तक है, तो 0 से 3.14 है तो ये पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है, ये भी पॉजिटिव भी है नेगेटिव, तो इसलिए अपन अभी तो उसको सॉल्व करेंगे।
मान लो कोई फैक्टर हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव होता तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर उधर चला जाता है। तो अभी मेरे पास सीधा सीधा मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा कि टी की वैल्यू कहां से कहां तक, टू से लेके थ्री तक, तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू टू से लेके थ्री तक। अब कॉस लगाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, तो कॉस टू से लेकर कॉस थ्री तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन यदि मैं आपको दे देता कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस सिक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस एट लेस देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब यदि मैं टी मान के इसके फैक्टर्स करता तो मेरे पास आता टी माइनस टू इंटू टी माइनस फोर लेस देन इक्वल्स टू जीरो। अब टी की वैल्यू जीरो से 3.14 है तो इट मीन्स ये हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा तो इसको उधर ले जाऊंगा और इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो t माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, t ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, ठीक है। cos इनवर्स x ग्रेटर देन टू आ रहा है, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? श्रियांश बोल रहा आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? आवाज आ रही है कि नहीं? अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है, चलिए बीच में हो गया बस कुछ, हाँ है ना। तो अब क्या है कि cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, तो cos inverse greater than equals to 2 है। अब दो चॉइस है, आप या तो सीधे इससे आंसर लिख दो, अब इससे आंसर आप लिखोगे तो अगेन cos को उधर लेके जाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा बच्चों। तो x less than equals to cos 2, तो क्या लिखोगे अब x less than equals to, मिनिमम कहां तक जा सकता है? माइनस वन तक जा सकता है, तो अपने को लिखना पड़ेगा माइनस वन से लेकर cos 2 तक लिखना, माइनस वन से लेकर cos 2, दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। आई की नहीं बात समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्वेश्चन में, ऐसे यूज करना है अपने को, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, तो बस उसमें क्या है कि करना बिल्कुल सिंपल है ना। बस ये कि इसीलिए इस स्टेप के बाद ये स्टेप, इसके बाद वो जो स्टेप लिखते हैं ना, ये स्टेप लिखने से पहले ही, क्योंकि ये लिख लोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये वाला स्टेप लिखने के बाद अभी मान लो मैं लिख देता तो cos inverse x 2 से लेके 4 तक, कर उसके बाद भी सकते हैं यदि आपको समझ में आ जाए तो, बेटर ये है कि पहले, क्योंकि उसमें क्या है डिपेंड करता है, जैसे आपने यदि वो लिख लिया तो आपको नहीं पता रहेगा कि मुझे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, इसलिए वो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज करना पड़ता है, इसलिए वाली चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एयर है, ठीक है। अभी सेक और कोसेक का नहीं बताया, सेक कोसेक का मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले ये वाला क्लियर हो जाए अपने को एक बार। चलिए एक दो क्वेश्चन ट्राई करिए, देखें cot इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 7 cot इनवर्स x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
tan inverse x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan inverse x प्लस 3 प्लस 0। सही है प्रवीण, वेरी गुड। नहीं माधव पाई कैसे बता दे? नहीं पार्थिव, कॉस कहा है? किसका आंसर बता रहे हो? कॉस तो है ही नहीं, कॉट है वो। नहीं त्रिलोक, आस्था नहीं। दो बार साइन चेंज होगा इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन में कॉट दो बार साइन चेंज होने वाला है, ध्यान रखना हो। पहले एक फैक्टर नेगेटिव आ रहा है और कॉट इनवर्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इस कारण से भी साइन चेंज होगा उसमें। देखो फर्स्ट में अगेन मैं सीधे सीधे इसको टी मान लेता हूं, तो मेरे पास आ गया टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो टी माइनस 2 इनटू टी माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और टी है कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक बच्चों? 0 से पाई। तो यदि ये 0 से पाई होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना हमेशा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये उधर चला जाएगा, पहला साइन तो वहां पे चेंज हुआ, तो t माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, t लेस देन इक्वल्स टू 2, व्हाट इज t? cot इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू 2, cot इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो वापस से cot को उधर लेके जाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन फिर से चेंज करना पड़ेगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू cot 2, और cot इनवर्स x का डोमेन होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो सीधे सीधे cot 2 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगा मेरे पास। हाँ प्रवीण सही है, सेकंड वाला। कल फिजिक्स की क्लास है क्या आप लोगों की? एक्स्ट्रा क्लास है क्या कल? अनाउंस करिएगा सर ने, टाइम बताया क्या? टाइम बताया क्या अभी? 12 बजे से, ठीक है ठीक। तो मैथ्स की भी रहेगी कल क्लास, मैथ्स की भी रहेगी है ना, 12 से पहले ले लें अपन, 11 से 12 ले लें, ठीक है, 11 से या 10:30 से 11, 10:30 से 12, डेढ़ घंटा ले लेते हैं, ठीक है। फाइनल टाइम एक बार ग्रुप पे डाल देंगे रात में, है ना, और लिंक भी ग्रुप पे डाल देंगे। हुआ सेकंड वाला? सेकंड का
आया क्या आंसर सेकंड का? सार्थक का आया माइनस इनफाइनाइट से टेन वन, फिर एक गड़बड़ कर रहे हो। देखो रेंज का तो पूरा खेल है, रेंज नहीं याद होगी तो बहुत गड़बड़ मामला हो जाएगा। टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस थ्री लेस देन जीरो, टी माइनस वन इंटू टी माइनस थ्री लेस देन जीरो, है ना, टी माइनस वन टी माइनस थ्री लेस देन जीरो। नाउ व्हाट इज टी? टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो टी की रेंज कहां से कहां तक थी? माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, मतलब माइनस 1.57 से लेके 1.57। तो मींस दिस फैक्टर विल बी ऑलवेज नेगेटिव। तो इसको उधर ले जाते हैं और साइन चेंज कर देते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन वन। टेन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन चेंज नहीं होगा। आप वही गड़बड़ कर रहे हो बार बार, साइन चेंज किसमें करना है किसमें नहीं करना है। तो एक्स ग्रेटर देन टेन वन, और x 10 की रेंज तो इनफाइनाइट तक होती है, तो 10 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 10 1 से लेकर इनफाइनाइट। क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलो अब sec और cosec पर अपन आते हैं। तो बस मेन वही है, देखो करना बहुत सिंपल से वे में है, है ना, दो तीन बेसिक चीजें याद रखना, डोमेन, रेंज और नेचर। ठीक है, अब मैं sec और cosec की बात करता हूं। अब sec और cosec में एक्चुअली दिक्कत क्या है कि sec और cosec जो है डिसकंटिन्यूस फंक्शन, तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन होने में sec इनवर्स x की रेंज कहां से कहां तक बोली थी अपन ने? sec इनवर्स x की रेंज अपन ने बोली थी 0 से लेकर पाई बाय 2, यूनियन पाई बाय 2 से लेकर पाई तक। cosec इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक बोली थी? माइनस पाई बाय 2 से 0, 0 से लेकर पाई बाय 2। cosec इनवर्स x की रेंज बोली माइनस पाई बाय 2 से 0, यूनियन 0 से लेकर पाई बाय 2, और इसकी रेंज ये। तो इसमें क्या है, है ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? जब तक आपको sec इनवर्स x की रेंज या जो भी sec इनवर्स x वो बोल रहा है यहां से यहां पर, यदि एक ही क्वाड्रेंट में दे रहा है पूरा इसमें या पूरा इसमें या पूरा इसमें या पूरा इसमें, तो अपन जो अभी तक कर रहे थे वैसा अपन कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो ध्यान रखने का। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि sec इनवर्स x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, तो पूरा इसमें आ रहा है, इंक्रीजिंग है, sec 0 हो गया 1 से लेकर sec 1 तक। मैंने बोला sec इनवर्स x की वैल्यू 2 पाई बाय 3 से लेकर 5 पाई बाय 6 तक है, पूरा इसमें आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीजिंग है। तो sec 2 पाई बाय 3 हो जाएगा माइनस 2, और sec 5 पाई बाय 6 हो जाएगा माइनस 2 बाय 2, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने बोला cosec इनवर्स x की जो वैल्यू है माइनस पाई बाय 3 से लेकर माइनस पाई बाय 4 तक है, माइनस 6 इस पॉइंट, हाँ ठीक है, पूरा इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो x cosec माइनस पाई बाय 3 माइनस 2 बाय रूट 3 से लेकर माइनस पाई बाय 4 माइनस, ठीक है, माइनस रूट 2 से लेकर माइनस 2 बाय, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि यदि इसकी जो रेंज है वो आधी इसमें दे दे और आधी इसमें दे दे, आधी इसमें आधी इसमें दे दे, तो फिर मुझे उसको ब्रेक करना होगा। यह अपन कभी सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने में भी अपने को फाइनली ऐसा रिजल्ट मिल जाए तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा उसको, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक कैसे करेंगे? यहीं पर पाई बाय 2 करेंगे, 0। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको पहले लिखना हो तो लिख लीजिएगा एक बार,
ठीक है। मान लीजिए कि इसमें मैं आपको दे देता पाई बाय थ्री से लेकर टू पाई बाय, अब गड़बड़ ना, या मान लो अपन ने भी सॉल्व करा दोनों चीज ऐसे ये लिखा हुआ अभी, तो मान लो अभी जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे थे ना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपने पास कभी ये आ जाए, मतलब आधा पार्ट इसमें आ रहा है आधा पार्ट इसमें आ रहा है ना, तो फिर उस वाले केस में क्या करेंगे अपन, पाई बाय थ्री से लेकर टू पाई बाय थ्री, तो उस वाले केस में अपन क्या करेंगे कि अब जब सेक थीटा लेंगे तो एक तरह से देखा जाए तो बीच में पाई बाय टू तो मिलेगा ही नहीं, है ना, बहुत सिंपल सा तरीका है, आप कुछ मत करो, आप इसको अलग से लिख लो और कुछ लिखने की जरूरत अपने आप आ जाएगा। मीन्स आप ऐसा लिख लो और ऐसा, ठीक है, सेक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सेक लगाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, सेक टू पाई बाय थ्री कितना होता है माइनस टू होता है ना, यहाँ पे सेक लगाएंगे तो एक्स ग्रेटर देन ये कितना होता है टू होता है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू तो माइनस टू से लेस ऑटोमेटिकली माइनस इनफाइनाइट तक ले जाओ आप, या तो पाई बाय टू लिखते लिखना होता तो, या दो ऑप्शन है आपको समझने के लिए लिखना हो तो आप यहाँ पे पाई बाय टू लिख लो, क्योंकि बीच में पाई बाय टू पे ब्रेक होगा तो वो पाई बाय टू लिखोगे तो लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन है, सबसे अच्छा ये है कुछ मत करो आप सीधे सीधे ये, तो एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस टू मतलब माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन टू से लेकर इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन टू से लेकर इनफाइनाइट तक लिख देंगे, लेस देन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ग्रेटर देन कर रहे हो तो वो प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, लेस देन माइनस इनफाइनाइट तक, ग्रेटर देन प्लस इनफाइनाइट, क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है इसमें, बिल्कुल जैसे ऐसे कोसेक इनवर्स का बताता हूं एक, ठीक है, मान लो कोसेक इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, कोसेक इनवर्स में ऑटोमेटिकली इनइक्वालिटी इसका नेचर का ध्यान रखना कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है ना, तो कोसेक इनवर्स का सपोज करो मैंने बोला माइनस पाई बाय सिक्स से लेकर पाई बाय सिक्स, माइनस पाई बाय सिक्स से लेकर प्लस पाई बाय सिक्स, ठीक है, अब वही आधा इसमें पूरा इसमें आ जाए तो कुछ करना ही नहीं, बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग या तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रखना या इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है ना, अब इसमें वही जैसे इसमें बताया मैंने, इसको अलग से लिख लो इसको अलग से, तो इसको अलग से लिखेंगे तो cos इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 6 आ गया, और इसको अलग से लिखा तो cosec इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 6, ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो cosec को उधर लेके जाएंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू cosec पाई बाय 6 कितना 2, और इधर x लेस देन इक्वल्स टू cosec माइनस पाई बाय 6 माइनस 2, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक आ जाएगा, ठीक है, आई की नहीं बात समझ में, हाँ एग्जैक्टली सार्थक बिल्कुल सही बोल रहे हो कि कब करना है, जब आपके पास जो फाइनल रिजल्टेंट दिया हुआ है या आ जाए सॉल्व करते करते उसका आधा पार्ट इधर आ रहा हो और आधा पार्ट इधर आ रहा, उस वाले केस में, यदि पूरा पार्ट इधर आ रहा होता पूरा पार्ट इधर पूरा इधर पूरा इधर तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, केवल उस केस में जब आधा इधर और आधा इधर वाला आ रहा हो तो सबसे अच्छा एक्चुअली देखो लिखना क्या चाहिए था, मैं आपको बता दूं लिखना अपन लिखते ना तो वैसे लिखना अपने का सही तरीका क्या था, यहाँ पे मैं लिखता लेस देन पाई बाय टू यहाँ पे पाई बाय टू, ठीक है, अब वो एक्चुअली फिर दिक्कत क्या होती है, आप जैसे पाई बाय टू लिखते तो अब आपको नहीं पता किधर मुझे माइनस इनफाइनाइट लिखना है किधर इनफाइनाइट लिखना है, क्योंकि एक तरफ एक सेक पाई बाय टू की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, आप इधर से चलोगे तो प्लस इनफाइनाइट आएगी, इधर वाले सेक पाई बाय टू की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आएगी, ऐसे यहाँ पे होगा इधर से चलोगे तो इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट इसकी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट आएगी, तो उस कंफ्यूजन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप तो कुछ मत करो, आप तो सीधे ब्रेक करके अलग अलग ही कौन लेस देन आ रहा है तो माइनस इनफाइनाइट तक ले जाओ,
ग्रेटर देन आ रहा है तो प्लस इन्फिनिटी तक ले जाओ, ठीक है। बस डोमेन और रेंज का ध्यान रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग कोई भी आंसर लिखने से पहले देख लो कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं है, है ना। नहीं तो पता लगाओ जैसे वो फैक्टर आ गया sec inverse x minus 4 आ गया तो हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव है, तो उसको इनफिनिटी में अंदर ले जा सकता है, ठीक है, राइट। चलिए ठीक है, तो और कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट है, क्लियर है? अभी आज इनइक्वलिटी वाला जितना पार्ट है तो मैं काम करता हूँ, कल इसी के क्वेश्चन दे देता हूँ आपको शीट में, 10-15 क्वेश्चन इसी के। इसका बिगनर बॉक्स वन आप कर सकते हो क्योंकि उसमें वैसे भी डोमेन रेंज के और वैल्यू के क्वेश्चन है, तो इसके बिगनर बॉक्स वन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिगनर बॉक्स वन आप कर सकते हो, उसमें डोमेन रेंज से रिलेटेड ही क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हो, और मेन इनइक्वलिटी की जरूरत पड़ती है वो आज मैंने बता दिया, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना, ठीक है। चलो ठीक है, तो बस मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ, अभी सर आ रहे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है, चलिए ओके देन, बाय बाय। कल की क्लास का फाइनल टाइमिंग ग्रुप पे, लिंक भी ग्रुप पर, ठीक है, आज रात तक आ जाएगा, नहीं तो मॉर्निंग में भी देख सकते हो आप, मॉर्निंग में डाल देंगे तो रात तक आ जाएगा, बस क्लास है लेकिन कंफर्म क्लास है 9-10 बजे, 10-10:30 बजे से स्टार्ट हो गया, ठीक है, चलिए ओके देन, बाय बाय।